आज के वीडियो में हम देखेंगे सोनी का ये मॉडल KLV-48R482B। इसमें फॉल्ट है नो इंडिकेटर का, जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट की पोजीशन नो इंडिकेटर पे। ओके, स्विच दबाने पर भी कोई हलचल नहीं है, इंडिकेटर लाइट की स्थिति एस इट इज रहती है। ओके, सो अभी हम सभी बेसिक वोल्टेज चेक करेंगे। सबसे पहले हमें 3.3 वोल्ट चेक करना है। 3.3 वोल्ट हम यहाँ पर सोर्स पिन पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.3 वोल्ट कंप्लीट है। ये स्विच पिन है, मतलब यहाँ पर पी चैनल मॉस्फेट से आउट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं पी चैनल मॉस्फेट कोई आउटपुट नहीं दे रहा है। यहाँ 3.3 वोल्ट आना चाहिए था। बाकी की सभी सप्लाई चेक करेंगे, 1.5 और 1.2। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सप्लाई यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, और यहाँ भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों सप्लाई भी प्रेजेंट होनी चाहिए टीवी चालू होने पर। तो यहाँ पर 9IC को जाने वाले 3.3 वोल्ट भी यहाँ नहीं बन रहे, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये डेड कंडीशन है। इसमें हम पहले डायोड टेस्ट लेंगे और चेक करेंगे कहां पर है तकलीफ। डायोड टेस्ट के लिए पॉजिटिव प्रोब हम यहां ग्राउंड को रख देंगे, और नेगेटिव प्रोब हम अब चेक करने के लिए डायोड टेस्ट ऑफ वोल्टेज लाइन, सो यहां डायोड में मीटर को रख देंगे और चेक करेंगे 3.3 वोल्ट की लाइन। पहले हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 0.258 बता रहा है, ये तो ओके है। अब हम आउटपुट लाइन जो स्विच होने के बाद बनते हैं वो चेक कर रहे हैं। ये 0.0 बता रहा है, मतलब ग्राउंड से शॉर्टिंग है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये लाइन ग्राउंड से शॉर्ट बता रही है। सो अभी हमें इसे ठीक करना है, ये लाइन की शॉर्टिंग, और दूसरी लाइन भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर वोल्टेज लाइन में यहाँ हमें चेक करना है, ये भी जीरो की शॉर्टिंग बता रहा है और ये ठीक है, तो ये लाइन भी शॉर्ट है इसमें। सो अभी हम चेक करेंगे क्या है गड़बड़ी इसके अंदर। तो 3.3 वोल्ट हम यहाँ पर इस लाइन को देंगे, ओके चीज डालनी है, लेकिन हमें पता नहीं है कि क्या खराब है इसमें, क्या प्रोसेसर खराब है, नैंड आईसी खराब है, या कोई रेगुलेटर खराब है। रेगुलेटर खराब होने का तो सवाल नहीं उठता, बिकॉज यहाँ पर हमने चेक किया 3.3 वोल्ट ओके है। तो ये 3.3 वोल्ट स्विच लाइन में गड़बड़ी है। यहाँ पर हम अब 3.3 वोल्ट देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हम यूज कर रहे हैं वेमटेक का प्रोग्रामेबल DC पावर सप्लाई। 3.3 वोल्ट 5 एम्पियर पे हमने अभी लोड सेट किया है। यहाँ हमने 3.3 वोल्ट सोल्डर कर दिया जो शॉर्टेड लाइन है, और ग्राउंड हमने यहाँ पर लगा दिया है क्लैंप। सो अभी हम चेक कर लेते हैं ऑन करने के बाद क्या है स्टेटस। इसके लिए हम टेम्परेचर टेस्टर भी लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 एम्पियर के करीब करंट ले रहा है, और हम चेक करेंगे क्या चीज़ गर्म हो रही है। सो इसमें गर्म होने वाली चीज़ है प्रोसेसर, प्रोसेसर खुद ही गर्म हो रही है। सो प्रोसेसर को निकाल लेंगे और फिर शॉर्टिंग चेक करेंगे। आप देख सकते हैं टेम्परेचर शूट कर गया है 65 डिग्री तक। तो यहाँ पर ये है प्रोसेसर जो इसमें ख़राब है, मीडियाटेक की MT5309SUHT की। इसमें दिक्कत क्या है, या हम प्रोसेसर को रिप्लेस करेंगे। प्रोसेसर को निकालने के लिए हम ZMR5860 मशीन का यूज़ कर रहे हैं। बिजली पेस्ट हमने लगा दिया है, और लेज़र लाइट से हमने चेक कर लिया है कि प्रोसेसर कहां पर है। बॉटम नोजल से हमने एक्यूरेट डिस्टेंस पे अभी प्रोसेसर को सेट किया है। टॉप नोजल को भी सेट कर लेते हैं। अभी हमने टॉप नोजल को भी सेट कर लिया है। तो अभी मशीन को स्टार्ट करने के लिए ऑपरेशन बटन को यूज़ करेंगे, बिकॉज हमने अभी Magiccare 2 रखा हुआ है। इसी प्रोफाइल पर अभी हम प्रोसेसर को बाहर निकालेंगे। मशीन को स्टार्ट कर देते हैं। प्रोसेसर को निकालने की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर वैक्यूम हमने ऑलरेडी चेक करके रखा हुआ है, वैक्यूम अच्छे से काम कर रहा है। जैसे ही बजर बजेगा हमें अभी प्रोसेसर को बाहर निकालना है। तो
ये प्रोसेसर हमने अब निकाल दिए हैं। तो प्रोसेसर निकालने के बाद चेक कर लेते हैं यहाँ पर ये लाइन में शॉर्टिंग अभी भी है या चली गई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं अभी 00 की तो शॉर्टिंग हट गई है, लेकिन अब जो बता रहा है ये 0.021। अब हम देंगे चोर का झटका चोर से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.3 पे हमने अभी 6.8 वोल्ट दिया हुआ है चेक करने के लिए कि गर्म क्या हो रहा है। तो आउटपुट कनेक्ट कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं 216 मिली एम्पियर करंट है। यहाँ क्या गर्म हो रहा है देखने के लिए हम जब देखते हैं तो ये जो आईसी है ऑडियो आउटपुट के लिए हेडफोन के लिए वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है। तो अभी हम इस आईसी को बाहर निकालेंगे। अभी हम ये साउंड आईसी है मतलब ऑडियो आउटपुट जो हेडफोन के लिए निकलता है वो इसी आईसी के थ्रू निकलता है। तो हम इस आईसी को अभी निकालेंगे। हमें लग रहा है कि ये भी शॉर्ट है। सो इसमें हेडफोन आउटपुट के लिए आईसी यूज़ की है वो भी शॉर्ट थी, TPA 6138। इसकी जगह हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम डायोड टेस्ट ले लेते हैं ये वोल्टेज लाइन की। यहाँ पर 0.370 बता रहा है, दैट मीन्स हमारी जो शॉर्टिंग थी ईयरफोन आउटपुट के लिए यूज़ की हुई आईसी खराब थी। आईसी को हमने प्रॉपरली बिठा दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हेडफोन ड्राइव करने के लिए आईसी यूज़ की हुई है। ओके, तो अभी हमें प्रोसेसर डालना है और हमने आईसी ऑलरेडी डाल दी है ये हेडफोन ड्राइव। ये जो आईसी है प्रोसेसर जो हमारी इसमें से ख़राब निकली है इसकी जगह हम ये यूज़ करेंगे। लास्ट के जो नंबर है वो मैच हो रहे हैं MT5309SUHT। सो अभी हम इस आईसी को निकाल लेते हैं और इसमें इंस्टॉल करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना होगा, निकालने के बाद रीबॉलिंग करनी पड़ेगी। इस आईसी को निकालने का जो वीडियो है वो मैं स्किप करूंगा, रीबॉलिंग का पोर्शन हम दिखाएंगे। तो अभी हमने प्रोसेसर निकाल ली है, अभी इसकी पूरी क्लीनिंग करने के बाद रीबॉलिंग करते हैं। सो क्लीनिंग हो चुकी है, अभी हम स्टेंसिल में रख कर इस पर बॉल्स बनाएंगे शोल्डर पेज लगाकर। हमने स्टेंसिल में आईसी को तो फिट कर दिया है, अभी हम शोल्डर पेज लगाएंगे और इसको हीट करेंगे ताकि इस पे बॉल्स बन जाए। सो दोस्तों हमने अभी प्रोसेसर डाल दिया है, आप देख सकते हैं इंडिकेटर ग्रीन है और मतलब ये चालू हो चुका है। 3 बार ब्लिंक करने के बाद सोनी लिखा हुआ आता है, 4, 5, 6 फिर से काउंट करेंगे, ये 6 टाइम जा रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये 6 टाइम प्रोटेक्शन के लिए हम अभी एक रेजिस्टेंस लगाएंगे 10K की और इसे ठीक करेंगे। पर हमने 10K की रेजिस्टेंस लगा दी है जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी हम चेक कर लेते हैं क्या ये 6 टाइम में रहता है और क्या हमारा टीवी ऑन होता है या नहीं, अभी देखने की बात। तो चेक कर लेते हैं टीवी ऑन करके। यहाँ पर एडेप्टर हम फिट कर लेते हैं, इंडिकेटर लाइट की स्टेटस है नो इंडिकेटर क्योंकि अभी लास्ट प्रोटेक्शन में गया था। ऑन करने पर ये ऑन हो जाता है। अभी हमें चेक करना है क्या ये सोनी लिखा हुआ आता है या नहीं इसमें।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोनी लिखा हुआ आ गया है और अब ये फाइव टाइम में जा रहा है। चेक कर लेते हैं नंबर ऑफ ब्लिंक, 1, 2, 3, 4, 5। सो फाइव टाइम ब्लिंक के लिए हम पैनल आईडी का यूज़ करेंगे। पैनल का डेटा डाल रखा है, सो इसका कनेक्शन अभी मदरबोर्ड के साथ कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं SDA और SCL का कनेक्शन हमारी पैनल आईडी की पीसीबी के साथ कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और 3.3 और ग्राउंड हमने यहाँ पर दे दिए हैं। 3.3 वोल्ट ये जो आउटपुट निकल रहा है 3.3 वोल्ट का, उसके ऊपर दिया है और ग्राउंड हमने ग्राउंड पॉइंट पे दे दिया है। सो अभी हम दोबारा स्विच करके देख लेते हैं। यहाँ पर स्विच करने पर इंडिकेटर ग्रीन हो चुकी है। चेक कर लेते हैं सोनी लिखने के बाद ये अब कॉन्स्टेंटली चालू रहता है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अब चालू है और इसमें HDMI 1 पे कनेक्शन हम करके इसमें साउंड एंड पिक्चर दोनों देख लेते हैं। सो आप देख सकते हैं पिक्चर एंड साउंड दोनों ही क्लियर हैं। इतने सारे बोर्ड में से हमने इस प्रोसेसर को यूज़ किया है इस बोर्ड में से, क्योंकि ज़्यादातर बोर्ड में आप देख रहे होंगे कि हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिए है। और आप देख सकते हैं ये अब रेडी हो चुका है। ओरिजिनल टीवी पे फिट करके देख लेते हैं इस प्रोसेसर ने, जिसके वजह से 3.3 वोल्ट लाइन शॉर्ट थी और हमने उसकी जगह यूज़ की है GIC मीडिया टेक की 5309 SUHT। सो अभी हम इसे प्रॉपरली फिट करके आपको बताते हैं। हमने टीवी को ऑन कर दिया, इंडिकेटर लाइट आ चुकी है।